नमस्कार दोस्तों, देसी जीके टिक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राज्य और राज्य की राजधानी के बारे में, यानी कि इंडिया में जो भी स्टेट है उनके क्या कैपिटल है, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक के साथ जिसे आप भूल कर भी नहीं भूल पाओगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जो भी मैं आपके लिए न्यू वीडियो बनाऊँ उसका अलर्ट आप तक पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं बिहार, यानी कि बिहार की राजधानी है पटना। तो इसकी ट्रिक देखो दोस्तों, ये लड़का है, ये इस लड़की को बोल रहे हैं बिहाव करेगी मुझसे, यानी कि शादी करेगी मुझसे। तो लड़की क्या बोलती है, पहले पटाखे तो दिखा ले फिर शादी कर लूँगी। ठीक है, तो बिहाव से याद आएगा आपको बिहार और पटाने से याद आएगा आपका पटना। यदि आप चाहते हैं कि इसका आपका PDF मिले तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको पढ़ने में और ज़्यादा मददगार होगा दोस्तों। तो आगे चलते हैं दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। तो इसकी ट्रिक क्या है, यू आर ग्रेट मॉम। सब जानते हैं मम्मी कैसी होती है, ग्रेट। तो ग्रेट से याद आएगा आपको महान, महान से याद आएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, और मॉम से याद आएगा आपका मम्मा, यानी कि मम्मी। मम्मी से याद आएगा आपका मुंबई। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं उत्तराखंड। तो इसकी ट्रिक देखो दोस्तों, ये टीचर हैं, ये स्टूडेंट को बोलते हैं उत्तर देना, यानी कि जल्दी से उत्तर दे। तो स्टूडेंट बोलता है दे रहा हूँ सर। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही होता है आपके साथ भी, किसी के साथ भी। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर से याद आएगा आपका उत्तराखंड और दे रहा हूँ तो इससे याद आएगा आपका देहरादून। आगे चलते हैं दोस्तों ओडिशा। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। तो इसको देखो, इस इमेज को देखो आप, कोई भी ईश्वर है जो ज़मीन पर नहीं रहते, यानी कि आकाश में रहता है, उड़ते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उड़ते हुए ईश्वर, तो उड़ने से याद आएगा आपका उड़ीसा और ईश्वर, ईश्वर से याद आएगा आपका भुवनेश्वर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तो इसकी ट्रिक देखो, तुम मिले तो चैन आ गया। क्या बात है, तुम मिले तो चैन आ गया। तो तुम मिले तो चैन आ गया, तुम मिले से बनेगा आपका तमिलनाडु। मिले यानी कि मिलना आ रहा है, तुम में भी तमिल आ रहा है और चैन से बना अपना चेन्नई। आगे चलते हैं दोस्तों मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलांग। तो इसकी ट्रिक देखो दोस्तों, लड़की है जो पहले लॉन्ग जंप कर रही है, उसके बाद ये घायल हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो लॉन्ग जंप यानी कि लॉन्ग, लॉन्ग से याद आएगा आपका शिलांग और घायल से याद आएगा आपका मेघालय। ठीक है दोस्तों, बस देखते ही याद होगी आपको। आगे चलते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। दो राजधानी है, एक तो शिमला है और एक धर्मशाला है, मतलब मेन तो शिमला है इसकी राजधानी और कई जगहों पर इसको धर्मशाला राजधानी लिखा जाता है। तो इसकी ट्रिक देखो दोस्तों, ये भाई है, ठीक है, ये इसकी दो बहन है, एक का नाम है हिमा, दूसरी का नाम है सीमा। तो अरुण बोल, सॉरी, भाई बोलता है अपनी बहनों को, हिमा चल, सीमा चल, मैं तो आज धर्मशाला में रुकूंगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि घर नहीं चलूंगा। तो हिमाचल से याद आएगा आपका हिमाचल, सीमाचल से याद आएगा आपका शिमला और ये कहाँ रुकेगा, धर्मशाला में, तो इससे याद आएगा आपका धर्मशाला। आगे चलते हैं दोस्तों पंजाब व हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। तो देखो दोस्तों, ये एक जॉबलेस पर्सन है बस आपकी तरह, जो जॉब पाने के लिए भगवान की पूजा करता है। ठीक है दोस्तों, और तो भगवान, भगवान के नाम पे देखो, एक तो हरि है और एक चंडी माँ। ठीक है दोस्तों, तो जॉब से बनेगा आपका पंजाब। ठीक है दोस्तों, हरि से हरियाणा और चंडी से बनेगा आपका चंडीगढ़। आगे चलते हैं दोस्तों तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी कौन सी है, हैदराबाद। तो इसकी ट्रिक देखो दोस्तों, हरि को तेल चढ़ा रही है, यानी हम कभी भी मंदिर में जाते हैं तो कोई भी देवी देवताओं को तेल भी चढ़ाया जाता है। तो हरि से याद आएगा आपका हैदराबाद और तेल से याद आएगा आपका तेलंगाना। आगे चलते हैं दोस्तों सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। मैं पिछली बार गंगा में स्नान करने के लिए गया था। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ मैंने बहुत सारे सिक्के देखे, तो वहाँ से मैं ये फोटो खींच के लेके आ गया बस आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो गंगा में सिक्के अक्सर देखने को पाए जाते हैं। ठीक है, दान करते हैं, जो भी चढ़ावा करते हैं और गंगा में सिक्के भी डालते हैं। तो गंगा से याद आएगा आपका गंगटोक और सिक्के से याद आएगा आपका सिक्किम। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। बाप अपने बेटे को बोलता है गो, यानी कि चला जाए यहाँ से। तो लड़का बोलता है जी पापा जी, यानी कि जा रहा हूँ। तो गो से बनेगा आपका गोवा। ठीक है दोस्तों, और जी, जी से बनेगा आपका पणजी। आगे चलते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है इटानगर। तो इसकी ट्रिक देखो दोस्तों, ये लड़की है जो अरुण को किससे मार रही है, ईंट से मार रही है। तो अरुण, अरुण से बनेगा आपका अरुणाचल और ईंट से मार रही है तो इससे बनेगा आपका इटानगर। अरुण तू चल, नहीं तो ईंट से मारूंगी, ये लड़की बोल रही है इसको। आगे चलते हैं दोस्तों एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल
और यूपी की राजधानी है लखनऊ। ये दो लड़के हैं, एक का नाम है भोपाल, ये है भोपाल और ये है लखन। दोनों क्या कर रहे हैं? ड्रिंक, यानी कि बियर शराब कुछ भी पी रहा। तो एक बोल रहा है मैं पी, यानी कि मैं पी रहा हूँ। एक बोल रहा है तू पी, ठीक है, यानी कि तुम पियो। मैं पी तुम पी, तो मैं से बनेगा मैं एम और पी से बनेगा आपका पी, यानी कि एम पी। तू को बोलता है यू, यू यू पी, यू पी, ठीक है दोस्तों। तो एमपी की राजधानी हो गई भोपाल और यूपी की राजधानी होगी लखनऊ, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं केरला। केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अब देखो इस लड़के को, देखो ये क्या पी रहा है, करेला का जूस। इसको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्टोरी बेस है ये ट्रिक। पूछा गया था कि तुम कौन से राज्य में रहते हो, तो उसने बोला तिरुवनंतपुरम, ठीक है दोस्तों। तो बोला मीनिंग लिखो, तो नहीं लिखी जा सकती, ठीक है। तिरुवनंतपुरम नाम लिखना इंग्लिश में बहुत ही कठिन है, तो आपको क्या पीना पड़ेगा, करेला का जूस पीना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। इमेज दिख रही है आपको राजा की, जय, राजा से याद आएगा आपका राजस्थान और जय से याद आएगा आपका जयपुर। आगे चलते हैं मिजोरम। मिजोरम की है एजोल। लड़की को जाल में फंसाओ और मजे लो, ठीक है दोस्तों। सिंपल सी ट्रिक है क्या, लड़की को जाल में फंसाओ और मजे लो। अब जाल से बनेगा आपको एजोल और मजे से बनेगा आपका मिजोरम। आगे चलते हैं दोस्तों नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। अब देखो लड़का है और ये लड़की है। लड़की है जो लड़के को देखते तो नंगा होता है, तो ये लड़की क्या बोलती है, ओई माँ, क्या बोलती है, ओई माँ। तो नंगा से बनेगा आपका नागालैंड, ओई माँ से बनेगा आपका कोहिमा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले थी हैदराबाद, जो बाद में अमरावती हो गई, ठीक है दोस्तों। तो आपको दोनों ध्यान रखनी है। तो इसकी ट्रिक देखो दोस्तों, ये अंधे सूरदास जी हैं जो हरि के नाम गा रहे हैं, यानी कि हरि के भजन कर रहे हैं। हरि के अमर, हरि कैसे होते हैं, यानी कि भगवान कोई भी अमर होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अंधे से याद आएगा आपका आंध्र प्रदेश, हरि से याद आएगा आपका हैदराबाद और अमर से याद आएगा आपका अमरावती। आगे चलते हैं दोस्तों झारखंड। झारखंड की है रांची। तो बस सिंपल सी ट्रिक है, झांसी की रानी, क्या, झांसी की रानी। तो जहाँ से जा मिलेगा तो झारखंड बनेगा, और रानी और रांची एकदम सिमिलर वर्ड है, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि झारखंड की क्या है, रांची। आगे चलते हैं दोस्तों वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की है कोलकाता। ये लड़की है जो कॉल कर रही है, कॉल कर रही है किसी लड़के को या फिर किसी को भी, तो क्या बता रहा है, वेस्ट बता रहा है, ठीक है। तो वेस्ट से याद आएगा आपको वेस्ट, यानी कि वेस्ट बंगाल, और कॉल से बनेगा आपका कॉलिंग। आगे चलते हैं दोस्तों त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। अब देखो इसमें देखो, एक ताला, दो ताला और तीन ताला, कितने ताले हो गए, तीन ताले। तो आपको तीन से बनेगा आपका त्रिपुरा, ठीक है दोस्तों। तीन को त्रि बोलते हैं और ताले से बनेगा आपका अगरतला। आगे चलते हैं दोस्तों कुछ और स्टेट के बारे में, जैसे मणिपुर। मणिपुर की है इम्फाल। इम्फाल इसकी ट्रिक है मीना फैल होगी, बस सिंपल सी ट्रिक है, मीना क्या हो गई, फैल। तो मीना से बनेगा आपका मणिपुर और फैल से बनेगा आपका इम्फाल। जम्मू कश्मीर की दो राजधानी, एक तो जम्मू और श्रीनगर। बहुत सिंपल है, बिना टिक के याद कर सकते हो, क्योंकि जम्मू से जम्मू आ रहा है सीधा के सीधा, और आपको श्रीनगर बस याद रखना है। और गुजरात की क्या है, गांधीनगर। गुजरात की है गांधीनगर, ठीक है दोस्तों, गुजरात की है गांधीनगर। सबको बताया गांधी जी कहाँ रहते थे, गुजरात में। गांधी जी का आश्रम साबरमती कहाँ पर था, गुजरात में था। तो बस आप आसानी से याद कर सकते हैं कि गांधीनगर कहाँ की है, गुजरात की राजधानी है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं असम। असम की राजधानी कौन सी है, दिसपुर। तो असम में बस आपको ध्यान रखना सम, और दिस से याद आपको, आपको याद रखना दस, यानी कि दस एक कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो सम से बनेगा अपना असम और दस से बनेगा आपका दिसपुर। अब छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। अब कोई भी लोग होते हैं जो कुछ भी सामान खरीदते हैं, तो 36 लोगों के पहले राय लेते हैं, फिर उस सामान को खरीदते हैं। तो आपको बस ध्यान रखना है कि 36 से आपका बनेगा आपका छत्तीसगढ़ और राय से बनेगा आपका रायपुर, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं कर्नाटक। कर्नाटक यानी कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। अब इसकी ट्रिक देखो, एक लड़का है जिसको बंगला दे दिया, बंगला बेंगलुरु, ठीक है दोस्तों, फिर भी वो नाटक कर रहा है। अब ऐसा भी कोई लड़का है जिसको बेंगलुरु दे दे फिर भी नाटक कर रहा है, अजीब सा लड़का है। तो बंगला से बनेगा आपका बेंगलुरु और नाटक से बनेगा आपका कर्नाटक, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमने पूरे 29
स्टेट की कैपिटल बड़े आसान तरीके से याद कर लिए हैं। आप चाहें तो मेरे इस वीडियो को वापस रिवाइज कर लें, एक बार देख लें। मैं गारंटी लेता हूं कि आपको पूरी से पूरी राज्य और उसकी राजधानी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्त। अगर इसका PDF चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका PDF लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।